नमस्कार, मैं हूं दिव्या, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 दिसंबर, दिन सोमवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों। किसानों के खेत से हटाए जाएंगे बलुई मिट्टी, बिहार सरकार ने लिया निर्णय। बलुई मिट्टी के हटने से जमीन की गुणवत्ता होगी बेहतर। 1200 एक्सरे तकनीशियन के पदों पर होगी भर्ती। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को नियुक्ति का मिला प्रस्ताव। एक्सरे सेवाओं में होगा सुधार। शीतलहर और पाले से बचाव के लिए निर्देश जारी। गरीबों के लिए रैन बसेरे की होगी व्यवस्था। जगह जगह अस्थायी रैन बसेरे भी होंगे तैयार। बिहार की बेटी ने इंडियन आइडल में बनाई जगह। लंबी जुदाई गाने से जजों को किया था भावुक। बिहार की बेटी को जुटाने के लिए आप भी दे सकते हैं वोट। जमाबंदी डिजिटाइज करने के लिए भूमि की होगी नापी। बिना जमाबंदी के भी होगी नापी। 60 दिनों में फीस नहीं देने पर आवेदन होंगे निरस्त। फेंगर तूफान का बिहार में नहीं होगा सीधा असर। आज का मौसम रहेगा शुष्क। जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम। रोहित शर्मा के बेटे के नाम का हुआ खुलासा। कप्तान की पत्नी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया शेयर, बेटे का नाम रखा हान। चलिए बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजस्थान में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 1111 पदों के लिए होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 दिसंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन रिटर्न एग्जाम के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार सरकार ने किसानों की खेती को बेहतर बनाने और उनकी जमीन से बलुई मिट्टी हटाने का निर्णय लिया है। नई बिहार खनिज नियमावली 2024 के तहत 6 प्रमुख नदियों सोन, क्यूल, मुरहर, चानन, फलगु और गंगा को छोड़कर अन्य नदियों से खेतों तक पानी पहुंचाने वाली बलुई मिट्टी को हटाने की अनुमति दी गई है। ये प्रक्रिया किसान संबंधित जिले के समाहर्ता से खनिज निपटान परमिट प्राप्त करने के बाद शुरू कर सकेंगे। मिट्टी हटाने से जमीन की गुणवत्ता बेहतर होगी, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार होगा। इसके अलावा महुआ अंचल में 3 दिसंबर से विशेष भूमि सर्वे का कार्य शुरू होगा, जिसमें 36,000 से अधिक भू स्वामियों ने आवेदन किया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे राजीव कुमार की। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1976 में बिहार के पटना में हुआ था। ये एक भारतीय पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर रह चुके हैं। ये बिहार और झारखंड के लिए खेला करते थे। वर्तमान में ये झारखंड के मुख्य कोच और चेन्नई सुपर किंग्स के फील्डिंग कोच के रूप में काम करते हैं। बिहार सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत अगले साल से सभी शिक्षकों को उनके पदस्थापना जिले में ही प्रशिक्षण मिलेगा। अब तक शिक्षकों को राज्य मुख्यालय या अन्य जिलों में आवासीय प्रशिक्षण लेना पड़ता था, जिससे महिला शिक्षकों को विशेष रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था में शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक के जरिए ली जाएगी। शिक्षकों को हर साल प्रशिक्षण दिया जाएगा और कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों के शिक्षकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट के माध्यम से प्रशिक्षण मिलेगा। इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में बहुकौशल मॉड्यूलर पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे, जो युवाओं को उद्योग केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 1232 एक्सरे टेक्नीशियनों की अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है। मंत्री पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध है और स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली की जा रही है। इससे एक्सरे सेवाओं में सुधार होगा और मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। पांडे ने यह भी कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार हो रहा है और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में अस्पतालों की स्थिति में काफी बदलाव आया है। दूसरी सक्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान 4 से 8 दिसंबर तक किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी DO और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए। इस प्रक्रिया में प्रत्येक अभ्यर्थी के अंगूठे के निशान और अन्य बायोमेट्रिक जानकारी का मिलान किया जाएगा।
इसके लिए 2 मशीनें उपलब्ध रहेंगी। अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रवेश पत्र को संबंधित डीओ कार्यालय में जमा करना होगा, जहां उनका बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। इसके बाद मिलान की जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत विवरणों को भी वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों के लिए शीतलहर और पाले से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी डीएम को गरीब और निस्सहाय व्यक्तियों के लिए रैन बसेरे और अस्थायी शरण स्थलों की व्यवस्था करनी होगी। शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूर और अन्य जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरे बनाए जाएंगे, और जहाँ रैन बसेरे उपलब्ध नहीं है वहाँ टेंट और पॉलिथिन सीट से अस्थायी शरण स्थल तैयार किए जाएंगे। कंबल वितरण की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग करेगा और शीतलहर के दौरान अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। जिला अधिकारियों को इन व्यवस्थाओं को निरीक्षण और निगरानी भी करनी होगी। बिहार की बेटी रितिका का इंडियन आइडल के टॉप 15 में चयन हो गया है। आपको बता दें कि इंडियन आइडल एक टीवी प्रोग्राम है जहां देश के कई राज्यों से बच्चों को मंच पर अपनी गायन प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इस वक्त पटना की रहने वाली रितिका का चयन इंडियन आइडल में हो चुका है और सभी उनके इतने बड़े मंच पर जीतने की कामना कर रहे हैं। रितिका ने अपनी गायकी के जरिए इंडियन आइडल के सभी जजों का दिल जीत लिया है। लंबी जुदाई वाले गाने के दौरान रितिका को सबसे ज्यादा सराहना मिली थी। इस दौरान श्रेया घोषाल और बादशाह जैसे कई बड़े कलाकार रितिका के गाने को सुनकर भावुक हो गए थे। अब रितिका को जीतने के लिए दर्शकों के वोट की जरूरत है। इसके लिए शनिवार और रविवार को अपने मोबाइल के जरिए सोनी लीव पर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके उन्हें वोट दे सकते हैं। बिहार के 25 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी डीओ से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री कार्ड बनाने की धीमी गति पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। राज्य परियोजना निदेशक योगेंद्र सिंह ने डीईओ को 3 दिन में इसका हल निकालने के निर्देश दिए। इसमें मुजफ्फरपुर समेत पटना, गया, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और अन्य कई जिलों के डीओ शामिल हैं। अब तक कई जिलों में अपार कार्ड बनाने की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है, जिससे निदेशक ने असंतोष जताया है। मुजफ्फरपुर में केवल 5.23% छात्रों का ही कार्ड बना है। इसके अलावा मोतिहारी जिले में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 15 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। भारत में सभी वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का पालन करना होता है और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाता है। आपने अक्सर टूरिस्ट वाहनों में लगेज रैक देखा होगा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या प्राइवेट कार की छत पर भी लगेज रैक लगवाया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार प्राइवेट कार पर लगेज रैक लगवाना पूरी तरह से कानूनी है और इसके लिए कोई विशेष शर्त नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों में आपको आरटीओ से अनुमति लेनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कार 10 साल से पुरानी है तो आरटीओ आपको रैक लगाने की अनुमति नहीं दे सकता है। पटना में सड़क दुर्घटना और जाम से निपटने के लिए शहरी इलाकों को 5 जोन में बांटा गया है। ट्रैफिक पुलिस ने संबंधित इलाकों में लोगों की सहायता के लिए पुलिस अधिकारियों के संपर्क नंबर जारी किए हैं। ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक 1 कृष्णा प्रसाद के क्षेत्र में अटल पथ, जेपी सेतु, कंकरबाग, साई मंदिर मोड़, सीएम आवास आदि आते हैं और यहाँ के लिए नंबर 9431820412 है। ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक 2 अनिल कुमार के जिम्मे पटना सिटी, गांधी सेतु, मीठापुर, कंकरबाग, बैरिया बस स्टैंड आते हैं और इनका नंबर 9431820413 है। ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक 3 अजित कुमार के जिम्मे डीपीएस मोड़, गोला रोड, सिवाला चौक, शहीद चौक, खगौल है और इनका नंबर 9431820414 है। ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक 4 अमित कुमार का क्षेत्र कारगिल चौक, बोरिंग रोड, पटना जंक्शन आदि है और इनका नंबर 9973012002 है। ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक 5 ललित मोहन सिंह के जिम्मे बेहटा चौक, माजा बाबा चौक स्टेशन मोड़ आते हैं और इनका नंबर 6200687340 है और इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9470630615 और 6122219151 पर भी दुर्घटना और जाम से संबंधित जानकारी दी जा सकती है।
राज्य में जिन जमाबंदियों का डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है उन्हें डिजिटाइज करने के लिए भूमि की नापी कराई जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पहले ही परिमार्जन प्लस पोर्टल के जरिए जमाबंदी में सुधार की सुविधा दी है। अब अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नापी बिना जमाबंदी के भी की जा सके, इसके लिए ई मापी पोर्टल में सरकारी भूमि न्यायालय आदेश विधि व्यवस्था संबंधित मामले और लोक शिकायत निवारण आदेश को भी जोड़ा जाएगा। रैयतों को नापी के लिए ऑनलाइन आवेदन और भुगतान की सुविधा दी जाएगी। 60 दिन में फीस नहीं देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। बक्सर की बेटी तेजस्विनी के बिहार राज्य अंडर 17 महिला क्रिकेट टीम में चयन से बक्सर में खुशी की लहर है। तेजस्विनी 2025 जनवरी में राजस्थान में होने वाली राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेंगी। वो फिलहाल बक्सर स्कूल ऑफ क्रिकेट एकेडमी में अभ्यास कर रही हैं। तेजस्विनी के पिता राजीव ठाकुर ने बताया कि उनकी बेटी चौसा के अखौरी गोला स्थित मध्य स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा है और पिछले 7 महीनों से क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए रोजाना बक्सर अकेडमी जाती है। कोच प्रिंस सिंह ने बताया कि तेजस्विनी ने बिहार के गया में SDFI अंडर 17 प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसके बाद उनका चयन हुआ है। अकेडमी में सफलता का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। पटना के साइबर थाने की पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रामकृष्णा नगर इलाके में चल रहे एक साइबर क्राइम रैकेट का खुलासा किया है। अपराधी निजी फाइनेंस कंपनी के नाम पर यहां ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें तेलंगाना के 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस गैंग के दो प्रमुख सरगना नालंदा जिले के रहने वाले हैं, लेकिन वे छापेमारी के दौरान फरार हो गए। पुलिस अब फरार अपराधियों की तलाश में जुटी है और इस मामले की गहरी जांच चल रही है। फिंगल तूफान का असर देश में कई जगहों पर दिखने की संभावना है, लेकिन बिहार में इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 24 से 26 डिग्री तो वहीं कुछ जगहों पर 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। कुछ जगहों पर आज का न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री तो कुछ जगहों पर 14 से 16 डिग्री रहने की संभावना है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शादी समारोह के दौरान 40 बारातियों को शराब पीने और शराबबंदी का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी नशे में थे और बारात में डांस करने की योजना बना रहे थे। इन लोगों ने शराब की बोतलें भी साथ लाकर अन्य लोगों को उपहार देने के लिए लाई थी। पुलिस ने 2 वाहनों को जब्त किया और 7 शराब व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया, जिनसे शराब खरीदी गई थी। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और शराब को भी जब्त कर लिया गया है। अभी हाल में बिहार के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बिहार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन देखने को मिला था। अब इस ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम इंडिया और इस आयोजन को सफल बनाने में बहुमूल्य योगदान देने वालों को सीएम नीतीश ने सम्मानित किया है। इस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन राजधानी पटना के बापू टावर में हुआ। कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश के अलावा और भी कई बड़े गणमान्य नजर आए। भागलपुर के भिखनपुर में जन्मे IPS अधिकारी हरिनाथ मिश्र सुरक्षा सचिव पद पर पहुंच प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी संभालेंगे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्टेट बैंक में नौकरी से की थी। उनकी पहली तैनाती कहलगांव शाखा में हुई थी, फिर जल्दी ही जोनल कार्यालय भागलपुर बुलाए गए। उन्होंने बहुत कम समय में IPS बनने का लक्ष्य हासिल किया। उनके पिता भोला मिश्र रेलवे में थे। हरिनाथ के अलावा उनके भाई ओंकार नाथ मिश्र ने रेडियो में नाम कमाया है। अमरनाथ उमानाथ बैंक अधिकारी बने। रविंद्रनाथ मिश्रा ने IRS सेवा में स्थान पाया और अमरनाथ मिश्रा ने शिक्षा क्षेत्र में सफलता पाई। हरिनाथ मिश्र की सादगी और मिलनसारता के कारण वे हमेशा अपने समुदाय में सम्मानित रहे हैं और मलयालम भाषा में भी महारत हासिल की। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मीडिया खबरों के अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सौंप दिया है, लेकिन फिलहाल ये इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि बिहार उपचुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह रामगढ़ उपचुनाव में हार गए थे, जो पहले राजद के कब्जे में थी। इस हार के बाद ही पार्टी अध्यक्ष ने इस्तीफा देने का कदम उठाया। इसके अलावा वे पिछले कुछ दिनों से पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे, जिससे इस्तीफे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि लालू यादव ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। लगातार पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आ रहा है। अब इन्हीं धमकियों के बीच एक वीडियो भी जारी किया गया, जहां एक शख्स ने खुद को बिश्नोई गैंग का मेंबर बता रहा
और उसने वीडियो में पप्पू यादव को फिर से 5 से 6 दिनों में मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि अभी तक पप्पू यादव को इस मामले में 15 से भी ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक जिस नंबर से पूर्णिया सांसद को धमकी मिली है वो नंबर पाकिस्तान का बताया जा रहा है। इस धमकी के बाद पप्पू यादव की आवाज की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। बीते दिन डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी इंडियन डेंटल एसोसिएशन के कार्यक्रम में खगड़िया पहुंचे थे। यहां उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बेगूसराय, दरभंगा, पटना और अन्य स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि खगड़िया में भी जल्द मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हो चुकी है और केंद्र सरकार ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में आयुर्वेद और होम्योपैथी के लिए भी काम करने की बात कही। डेंटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने डेंटल टीम से सुझाव मांगे और स्वास्थ्य मंत्री से जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। 4 दिसंबर को मुंगेर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी कार्यकर्ता दर्शन का सह संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि पार्टी ने अभी तक इस यात्रा को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजद कार्यकर्ता पार्टी की यात्रा को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। चौथे चरण की यात्रा के लिए संबंधित जिलों में कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। इसके लिए बड़े हॉल की तलाश जारी है। कुछ जिलों में हॉल उपलब्ध हो पाया है, जबकि अन्य जिलों में हॉल की कमी हो रही है। इससे पहले उपचुनाव की घोषणा के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई थी। हालांकि अब 4 दिसंबर को मुंगेर, 5 को बेगूसराय, 6 को खगड़िया और 7 को लखीसराय में कार्यक्रम आयोजित होंगे। रोहित शर्मा हाल ही में पिता बने हैं। अब इसी बीच उनकी पत्नी रितिका सचदेह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने बेटे के नाम का खुलासा किया है। उन्होंने एक एनिमेटेड परिवार की तस्वीर पोस्ट की जिसमें 4 सदस्य थे। रितिका ने महिला की फोटो पर अपना नाम, पुरुष की फोटो पर रोहित का नाम, बेटी समायरा का नाम और बेटे की फोटो पर आहान का नाम लिखा, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने अपने बेटे का नाम आहान रखा है। आहान नाम संस्कृत के शब्द आहास से लिया गया है, जिसका अर्थ है जागृत करना, और ये सूर्योदय, जागृति, चेतना आदि के रूप में भी समझा जाता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा रानी बने थे। इनके स्वागत में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। आज के दिन वर्ष 1942 में पांडिचेरी, जो अब पुडुचेरी है, वहां श्री अरविंदो आश्रम स्कूल की स्थापना हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 1999 में भारत में बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी मिली थी। आज के दिन वीर नागी रेड्डी का जन्म हुआ था। ये दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के तहत केंद्र सरकार 3500 रुपए देगी, लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। इस तरह के फॉरवर्डेड मैसेज के लिंक पर क्लिक करने से बचे। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चित्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। भारत में मरुस्थल की राजधानी किस जगह को कहा जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है रतलाम। इसका सही उत्तर है जैसलमेर। किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। इसका सही उत्तर है एशिया। बिहार में बिहपुर घटना का संबंध किस चीज से था? ऑप्शन ए सांप्रदायिक दंगों से, ऑप्शन बी है सत्याग्रह आंदोलन से, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन डी है मुस्लिम लीग की अधिवेशन से। इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन से। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है मोतीलाल कुमार, प्रदीप पंडित, चंद्रकांत कुमार, रंजय यादव, परवेज बारसी, संजीव कुमार, रवि कुमार राज, आलोक प्रियदर्शी, रोशन कुमार,
प्रियांशी सिन्हा, भारती कुमारी, बाबूलाल मरानी, राजीव कुमार, उषा कुमारी, ओमकार सिंह, अरशद अंसारी, मुन्ना प्रसाद, अनवर करीम खान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।